अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम। आज माशाल्लाह तबारकअल्लाह जुमा का मुबारक दिन है और हज का महीना है, हजी लोग आ रहे हैं और आज हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमारे पास में हमारे कोकण के लेजेंड क्रिकेटर गुलाम प्रकाश सर दादा आए हुए हैं और उन्होंने मदीना बॉयज़ की दावत पर लबैक कहा और ग्राउंड पर आए हैं अपने अहल वयाल के साथ में और इनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मदीना बॉयज़ के कैप्टन को आगे बुलाता हूँ, सलमान बोट को, और उनके कोच को भी बुलाता हूँ तो समझ भाई को। उसी तरह हमारे दूसरी टीम के कैप्टन अब्दुल कबीर शाकिब भाई को बुलाता हूँ कि आए और हमारे सबसे पहली बात गुलाम भाई का वेलकम करें, उनको फूल पेश करें। और हमारे गुलाम भाई के साथ में उनके रूम पार्टनर भी आए हैं, मैं उनको भी दावत देता हूँ कि वो भी आए और भी हमारा इस हिम्मत अफजाई वाले सेशन को कबूल करें इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम इसके बाद में हमारे सारे प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन कराते हैं। आइए, ये हमारे कैप्टन है मदीना बॉयज़ के सलमान बोट, उनके बाजू में हमारे समद भाई हैं, कोच है हमारे, उसके बाद में इनको मैक टी सेकर कहते हैं लेकिन उनका नाम मैक नहीं है, हाँ मखतूम है, हाँ ऐसे ही करसी ऐसे नाम बोलो बाबा, नाम बोलो अपना नाम फैरोज, हाँ केरला, इसको तो आप जानते हैं वर्ल्ड कप खेल के आया मोहम्मद किसने, ये सरदार अभी अभी आपने देखा बहुत अच्छी बैटिंग की, हमेशा अच्छी बैटिंग करते हैं। मोहसिन है, मोहम्मद इरशाद, फहीम इकबाल, फहीम भाई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, समझ बूझ के खेलते हैं, और ये मुबशिर है, मुबशिर बेहतरीन ऑलराउंडर है माशाल्लाह तबारकअल्लाह, बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग सब अच्छी करते हैं। और ये मेरा हम नाम है मुजीब, सैयद मुजीब केरला, सॉरी केरला ही आ रहे हैं सब, केरला छाए हुए वैसे हैदराबादी भी छाए हुए हैं उनको सब है। मोहम्मद यासिर आइए, थोड़ा सा हमारे बच्चों को आप कुछ नसीहत कीजिए। क्लोज आ जाओ, क्लोज बस ऐसे तुम्ही को निकले बोलो, अच्छा बगुनो को जाना बोला मैंने, इनकी एज तो दूसरा क्लब से मोहम्मद है उसकी एज वालों को मैं मोहम्मद आ गया ज़्यादा कोचिंग दे सकता था क्योंकि उनको खेलना था, लेकिन आप लोग में भी सऊदी मुजीब भाई ने बताया कि सऊदी गवर्नमेंट स्टेडियम बना रही है तो आप लोग में से मदीना के लोगों में से कोई नेशनल टीम खेलना चाहिए इंशाल्लाह, तो आप अपना एनर्जी देखो मोहम्मद का, मोहम्मद छुपता है वैसे सामने लो एकदम जी जी, रमजान में बंद रहता है तकरीबन, कभी कभी खेलते हैं, यहाँ नहीं होते तो यहाँ पे
है तो यहाँ पे भी शुरू है और पीछे से आउट हो गया और इक्वल रन हो गए। अभी वो पहले मैच में एक सिक्स मार के जिताया था उसे, लेकिन अभी इधर रिक्वायरमेंट एक रन का था, वो खाली डिफेंस कर भी रन था तो जीता था, तो मारने के बोल्ड हो गया वैसे सिक्स मारने के वैसे। तो उसमें पेशेंस और स्कोर बोर्ड भी देखने के लिए कितना रन रिक्वायर्ड है, हवा किस तरफ है, ये सब नोट डाउन करने का। और बॉलिंग बॉलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी। बॉल नहीं ग्रीन कैचेगा तो क्रैश हो जाएगा दो प्लेयर का, ऐसे वो करियर भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो उसमें फील्डिंग में भी और कैचेज और बैटिंग में भी बॉलिंग देना चाहिए। कोई कोई बैट्समैन बहुत रन आउट होता है तो उसकी मिस्टेक्स होता है, बॉलिंग बड़ा फोन होती है सामने और बैटिंग जो सामने का जिसको दिखाई तो वो कॉल देगा, नॉन स्ट्राइकर हैंड जो पीछे बॉल जाता उसका कॉल देगा। और ज़्यादा खेलते हैं ना साथ में तो नेचुरल आ जाता है, कॉल देने की जरूरत नहीं पड़ती, पता चलता रहता है। हाँ कॉल इम्पोर्टेंट है बहुत। जज़ाकअल्लाह खैरन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। जज़ाकअल्लाह खैरन हमारे गुलाम परकार भाई, आपको मालूम होना चाहिए हमारे समधी हैं, और मैं ये बोलना पसंद करूँगा इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली इंडिया की तरफ से, ODIs भी खेली, पाकिस्तान में भी जाके खेला, इंग्लैंड में भी जाके खेला, इंग्लैंड काउंटी में इन्होंने 400 रन बनाए हुए हैं, ग्लास्टर के साथ में 400 रन की पार्टनरशिप करी हुई है, फर्स्ट क्लास में काफ़ी सारे उनके फर्स्ट क्लास में इनके बहुत सारे सेंचुरीज भी हैं। और उसके अलावा आज भी इनकी फील्डिंग को माना जाता है इंडिया में, और आज भी इनका वो स्टाइलिश फ़ोटो वानखेड़े स्टेडियम में अभी भी टंगा हुआ है। और ये हमारे कोकनी लेजेंड हैं, हम इनको बहुत मानते हैं, हमारे गुरु मानते हैं क्रिकेट के अंदर। और तीसरी बात यह है कि ये अभी हाल ही में नेशनल टीम जो है अपनी ओमान की मस्कत की उसके कोच भी रहे हैं, और कीनिया में 8 साल खेल के आए हैं, 8 साल कीनिया में खेल के आए हैं, 8 साल उधर ही थे फिर इधर आए हैं, और अब हज किए, अल्लाह ताला इनके हज को मकबूल करे, मशहूर करे। और बॉम्बे के हाँ अभी बॉम्बे जो रणजी ट्रॉफी होती है जो हाई क्लास फर्स्ट क्लास गेम है, उसके 2 साल अभी ये कोच थे, उससे पहले इनके भाई भी कोच थे, सिलेक्टर थे कोच भी सिलेक्टर थे। तो इस तरीके से इनकी लाइफ है, और अब आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि क्रिकेट बहुत कुछ सिखाता है, वाकई स्पिरिट सिखाता है, हम भी क्रिकेटर रह चुके हैं और हम भी खेला करते थे इनके भाई के साथ में वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमको मदीना में जमा किया है, नमाज को नहीं छोड़ना है, रोहित को नहीं छोड़ना है, और उसके बाद में ऐसा सुबह में आए कभी भी रिफ्रेश हुए कोई बात नहीं, ये हमारा प्रोफेशन है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि सऊदी अरब, यस सऊदी अरब अभी टीमें बना रही है 40 साल के ऊपर वाली, 50 साल के ऊपर वाली, 40 साल जो इसकी उम्र हुई है उसकी भी टीम बन रही है, 50 साल के ऊपर वाली भी टीम बन रही है, अंडर 19 की भी बन रही है, और ओरिजिनल भी बन रही है। तो दुआ करो ये अपना बच्चा कहाँ छोटू सामने आए, ये छोटू के लिए तैयारी चल रही है अंडर 19 के लिए, और इम्प्रूव भी हो रहा है, और अभी वो आईसीसी का लेवल 1
सर्टिफाइड कोच हो गया है, आईसीसी का लेवल 1 सर्टिफाइड कोच है मोहम्मद, है ना। तो वो कह रहा है कि नहीं मुझे इसी लाइन में जाना है, जब आपको उसके जो है ना मुतवा है। लेकिन कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज हमारी अकीदा ठीक है, रात बेहतरीन करता है, तो हमने डिस्काउंट दे दिया उसे। और जज़ाकल्लाह खैरन गुलाम भाई, क्या आपने हमारी दावत को कबूल किया, बच्चों की मदद करी, थोड़ी सी आपने टिप दी। अस्सलामुअलैकुम।